फ्रेंड, जब भी आप लोग पाइपलाइन निकालेंगे तो पाइपलाइन निकालते समय एक बात पे बिल्कुल बारीकी से ध्यान देना है। जैसे कि अभी ये हमारे स्टूडेंट थे, इन्होंने भी यहाँ पे पाइपलाइन निकाल रहे थे, तो इन्होंने क्या गलती किया ये देखिए, इन्होंने जो पूरा बूम को जो है लंबा कर दिया, देखिए। यानी कि आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, यानी कि ये जो अपना डिपर सिलेंडर जो होता है, आर्म सिलेंडर, जो पूरा की पूरा जो है इन्होंने बंद कर दिया है। तो बंद करने का कारण होता क्या है, इधर देखिए, ये जो मिट्टी इधर आ गया, ये मिट्टी को आप साफ़ नहीं कर सकते। ये मिट्टी साफ़ नहीं करने का कारण आपका क्या होगा कि आपका जो पाइपलाइन है वो बिल्कुल क्लीन नहीं हो पाएगा। तो अभी आपने क्या गलती किया है, आपने गाड़ी को ज़्यादा आगे ले लिया, आर्म को पूरा लंबा कर दिया। जब भी आप पाइपलाइन निकालेंगे, आर्म को जो पूरा लंबा नहीं करना है, थोड़ा सा आपको जो है आर्म को छोटा ही रखना है, ताकि अगर इस तरह का मिट्टी अगर आपका आगे आ जाता है तो आप इसको जो है आर्म को पूरा लंबा करके पाइपलाइन को साफ़ निकाल सकते हैं। ठीक है, जाओ इसको सही करो पहले, ठीक है। सो फ्रेंड, अगर आप लोगों में कोई भी जेसीबी सीखना चाहते हैं तो हमारे ट्रेनिंग सेंटर में आकर के सीख सकते हैं। 2500 रुपये ट्रेनिंग का फीस है, रूम खाना फ्री है। डिस्प्ले पे जो नंबर है उस पर कॉल करें, जानकारी लें। थैंक यू सो मच।